नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित सिंह राजपुरोहित एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं हमारे YouTube चैनल नवजीवन क्लासेस में। तो दोस्तों, आपको पता है हमारा जो टॉपिक चल रहा था संवैधानिक इतिहास, और पिछले क्लास में हमने अधिनियम जो पढ़ा था 1858 का अधिनियम, 1857 की क्रांति के जस्ट बाद 1858 का अधिनियम आया, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जो 1861 का अधिनियम है, और साथ में 1892 का हमारा अधिनियम है, उसे हम पढ़ेंगे आज। तो दोस्तों, देखते हैं 1861 का अधिनियम क्या था। इसमें 1861 का अधिनियम क्या मुख्य इसकी बातें थी, तो आपको पता है जो जी जी गवर्नर जनरल, ठीक है, गवर्नर जनरल था, उसको क्या कर दिया गया, कुछ अधिकार प्रदान किए गए थे, कुछ अधिकार, कुछ अधिकार प्रदान किए गए थे किसको, गवर्नर जनरल को। ठीक है दोस्तों, कुछ अधिकार का मतलब क्या, ऐसा अधिकार प्रदान किया गया यानी इसको, तो नियुक्ति का, नियुक्ति का किसकी नियुक्ति, तो गवर्नर प्लस लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है दोस्तों, लेफ्टिनेंट गवर्नर की, गवर्नर जनरल को कुछ अधिकार प्रदान किए गए थे। क्या अधिकार, वो नियुक्ति कर सकता था किसकी, गवर्नर की और लेफ्टिनेंट गवर्नर की, ठीक है दोस्तों। और इस अधिनियम के तहत क्या हुआ, 1861 अधिनियम के तहत क्या हुआ, 1862 में क्या हुआ, भारत में पहली बार विभागीय प्रणाली प्रणाली की शुरुआत, अठारह सौ बासठ में क्या हुआ, भारत में पहली बार विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई, किसके समय, लॉर्ड कैनिंग के समय, लॉर्ड कैनिंग के समय, लॉर्ड कैनिंग कौन था उस समय, भारत का वायसराय, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, और इसमें क्या क्या हुआ, जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की अनुमति, जो गवर्नर जनरल था वो अध्यादेश जारी करने की उनको अनुमति मिल चुकी थी, वो अध्यादेश जारी कर सकता था। अध्यादेश क्या था, अस्थाई कानून क्या था, अस्थाई कानून। जैसे वर्तमान में हम बात करें तो जो भारत का राष्ट्रपति है उसको संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति उन्हें प्रदान की गई है। और राज्य में हम बात करें, राज्य विधानमंडल में हम बात करें, तो हमारे राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत जो ये अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, ठीक है दोस्तों। और इसमें क्या हुआ, आपको पता है जो 1861 अधिनियम के तहत 1862 में क्या हुआ, भारत में हाईकोर्ट की स्थापना, हाईकोर्ट का निर्माण या हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी, कहाँ पे, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास,
कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, जो 1861 अधिनियम के तहत 1862 में भारत में हाईकोर्ट की स्थापना हो चुकी थी कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ ही जो मंत्रिमंडल का विस्तार भी किया जा चुका था। तो दोस्तों ये था 1861 का अधिनियम। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे 1892 का अधिनियम। ठीक है दोस्तों, ये था 1861 का अधिनियम। अब हम पढ़ेंगे 1892 का अधिनियम। अठारह सौ बानवे का अधिनियम। ठीक है दोस्तों, 1892 का अधिनियम अब हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों आपको पता है 1892 का अधिनियम, हम पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जो 1885, आप सभी को पता है क्या हुआ था। 1885 को स्थापना हुई थी, स्थापना हुई थी किसकी, स्थापना हुई थी किसकी, हुई थी कांग्रेस की, कांग्रेस की स्थापना हुई थी किसकी, कांग्रेस की 1885 में। ठीक है दोस्तों, और कहाँ पे हुई थी, कहाँ पे हुई थी, तो ये हुई थी स्थापना, कहाँ पे हुई थी, मुंबई में, मुंबई में। और अगर पूछे संस्थापक, संस्थापक कौन था, किसने स्थापना की थी, तो आपको पता है ए ओ ह्यूम, ए ओ ह्यूम कांग्रेस के संस्थापक है। ठीक है दोस्तों, 1892 के अधिनियम के तहत आगे क्या हुआ, जो 1886 में अल्बर्ट बिल विवाद, बिल विवाद, अल्बर्ट बिल विवाद में जो भारतीयों की क्या मांग थी, भारतीयों की मांग, भारतीयों की क्या मांग थी, कानून निर्माण, कानून का निर्माण, ये भारतीयों की क्या थी, भारतीयों की मांग थी कानून का निर्माण करना। ठीक है दोस्तों, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी, कांग्रेस का संस्थापक कौन था, ए ओ ह्यूम, और 1886 में अल्बर्ट बल विवाद हुआ था, उसके बाद भारतीयों की मांग क्या थी, कानून का निर्माण करना। अब जो थे इंग्रेज सरकार क्या करे, जो भारत के जो नागरिक है वो पर्सन तो पूछ सकते थे, बजट पर पर्सन, बजट पर पर्सन तो पूछ सकते थे, किंतु अनुपूरक, अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। ठीक नहीं पूछ सकते थे, यानी जो भारतीय हैं जो बजट पर प्रश्न तो पूछ सकते हैं लेकिन अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते। इसका मतलब यह होगा जो अंग्रेजों की मर्जी होगी तो जवाब देंगे वरना नहीं देंगे। भारतीयों का इतना ही कर्तव्य था कि वो बजट पर प्रश्न पूछ सकते हैं, अब अंग्रेजों का अधिकार था कि उन्हें उत्तर दे या नहीं दे। तो दोस्तों ये था 1892 का अधिनियम। तो दोस्तों आज हमने दो अधिनियम का ज्ञात किया, कि 1800 जो 61 का अधिनियम और 1892 का अधिनियम। ठीक है दोस्तों, आज ये दो अधिनियम हमने कंप्लीट करे। तो दोस्तों इसी प्रकार आप बने रहिए, क्योंकि जो हमारी अगली क्लास आएगी उसमें हम बहुत मजे दार पढ़ेंगे, क्योंकि जो है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909, इसके बाद वो
1919 और 1935 अधिनियम जैसे बहुत अच्छे अच्छे अधिनियम आएंगे, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पॉटअप होते हैं उनसे। तो दोस्तों आगे भी इस तरह का प्रकार हम लाते रहेंगे, आप बस बने रहिए नवजीवन क्लासेस के साथ, नवजीवन परिवार के साथ, और वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।